हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ दसवीं के मैथ प्रश्नावली 3.6 का पहले प्रश्न का पांचवा सवाल में कराऊंगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। सामने देखेंगे बोर्ड की तरफ जिसमें पूछा गया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो समीकरण है दोस्तों वो रैखिक समीकरण नहीं है और ये भी रैखिक समीकरण नहीं है। आपको इसको रैखिक यानी कि एक लाइन में करना है और इसको भी एक रैखिक यानी कि एक लाइन में समीकरण को आपको बना के तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों एक्स वाई क्या है दोस्तों, ये बटे में है। तो अगर ये बटे में है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, गुने में हो जाएगा। यानी कि मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूँ कि 7x - 2y उसके बाद 5 फिर गुना का निशान और एक्स वाई उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स वाई हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस समीकरण को भी वैसे ही करना है क्योंकि इसमें भी बटा है। तो क्या करेंगे, 8x + 7y और ये हो जाएगा 15 और गुना का निशान क्योंकि ये बटे में यानी कि भाग में दोस्तों, तो उस तरफ चला जाके क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। बस आपको ये काम है दोस्तों तुरंत कर देना तभी ये रैखिक समीकरण तैयार होगा। लेकिन आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है और वो ध्यान क्या है दोस्तों, कभी भी जो है वो इस तरीके से एक्स वाई नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे 7x हो गया माइनस का 2y हो गया उसके बाद 5xy हो गया, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा और ये 7y हो जाएगा और ये हो जाएगा 15xy। तो कभी भी बराबर के इस तरफ जो समीकरण है दोस्तों वो xy यानी कि सिर्फ नंबर में होना चाहिए और इधर भी नंबर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो xy आ रहा है। तो इस xy को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई को इस पूरे समीकरण से भाग करेंगे और इस एक्स वाई को भी पूरे समीकरण से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, 7x लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 5xy लिखा हुआ है। तो इसको मैं कैसे हटाऊंगा, अगर मैं इसे एक्स वाई से भाग कर देता हूँ, ठीक है, इस पूरे जो टर्म है दोस्तों यानी कि पद है 5xy को अगर मैं एक्स वाई से भाग करूँगा तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा मेरे पास, सिर्फ 5 ही तो बचेगा दोस्तों। ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, इस पूरे समीकरण को 5 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण को, ठीक है ना, एक्स वाई से, ठीक है, भाग करने पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि 7x लिखा हुआ है, फिर 2y लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ 5xy। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग और इसको भी हम क्या करेंगे, एक्स और वाई से भाग यहाँ पे करना है। तो इस एक्स से मैं ये वाला एक्स काट सकता हूँ और ये वाला वाई से ये वाला वाई चला जाएगा और उसके बाद एक्स वाई से एक्स वाई पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास कितना बचा, 7 / y, ठीक है, 2 / x बचा हुआ है, ठीक है, अब बराबर में कितना बचा हुआ है, 5, ठीक है, यही बचा हुआ है। और ठीक वैसे ही हमें इस तरफ भी करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, एक्स वाई, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि x वाले x से कट जाएगा और y वाले y से कट जाएगा और x वाले से x वाई कट जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 8 / क्या बचेगा, y, ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 7 / कितना बचेगा, x और बराबर में कितना बचेगा, 15। तो क्या आप सभी को इतना समझ में आ रहा है, अगर इतना समझ में आ रहा है तो सवाल बिल्कुल ही आसान और बहुत ही ईजी होने वाला है। बस आपको क्या करना है, सामने देखना है। अब यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, और वो क्या दोस्तों कि जैसे कि ये 7/y लिखा हुआ है यानी कि 7/y लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/y, क्योंकि 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा और y का y रह जाएगा। उसी प्रकार मैं इसको भी लिख सकता हूँ 2 × ठीक है, 1/x लिख सकता हूँ और ये 5 का 5 में लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ 8, ठीक है, 1/y, 8 * 8 हो जाएगा, y का y कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो। फिर 7 लिखूँगा दोस्तों, फिर 1 और x लिखूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 15 लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी सावधानी ध्यान में रखते हुए हमें एक काम करना है और वो काम क्या है दोस्तों, ये जो x y यानी कि 1/y है और 1/x जो, इसको हम u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे, इसको हम u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे, या फिर आप इसको a और इसको b मान सकते हैं और इसको a और इसको b मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ध्यान देंगे, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, 7 - u - 2 फिर भी लिख सकते हैं और ये बराबर में 5, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 8 u लिख सकते हैं, फिर प्लस का निशान, फिर 7 भी लिख सकते हैं और बराबर में कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं नहीं पूछा गया है कि किस विधि का प्रयोग करना है, तो इसका मतलब आप किसी भी विधि का प्रयोग करके सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है दोस्तों वो है विलोपन विधि,
तो विलोपन विधि देखते हैं किस तरीके से होती है। विलोपन विधि कहता है दोस्तों कि पहला वाला जो सात बाई है, यानी कि पहला जो पद है और ये पहला इसका पद है, दूसरे समीकरण का पहला पद और पहले समीकरण का पहला पद, ठीक है, तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सात बाई सात यू आ रहा है, यहाँ पे आठ यू आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, या तो फिर ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मान इसका दो भी है, तो यहाँ पे सात भी है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो ऐसे करते हैं कि सात बाई जो सात यू लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आठ यू जो लिखा हुआ है, इस पूरे समीकरण को, इस पूरे समीकरण को हम गुना करेंगे, और गुना किससे करेंगे ताकि हम आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम इसको करेंगे गुना आठ से और इसको गुना करेंगे सात से। क्यों? क्योंकि अगर मैं आठ को सात से गुना करूँगा तो छप्पन यू हो जाएगा, और सात को आठ से गुना करूँगा तो छप्पन यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि आठ का टेबल अगर मैं सात में पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये छप्पन यू, और आठ दोनों कितना हो जाएगा, ये सोलह भी, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आठ पंजे कितना हो जाएगा चालीस। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको एक जैसा बराबर करने की कोशिश की और ये हो गया। सात आठ कितना हो जाएगा दोस्तों छप्पन यू, और सत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों उनचास भी हो जाएगा, और सात के टोल पंद्रह पढ़ेंगे तो एक सौ पाँच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक समीकरण क्या दोस्तों एक रेडी कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है, इन दोनों समीकरणों को। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण में से, ठीक है ना, इसको माइनस कर देना, यानी कि इस समीकरण में से आपको क्या करना है, इसको नीचे ले जाके इसको घटा देना है। तो चलिए मैं वहाँ पे इसको घटा के दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ठीक है छप्पन यू, ठीक है, और माइनस का कितना है, ठीक है सोलह भी, और बराबर में कितना लिखा हुआ है चालीस, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा छप्पन यू, फिर उसके बाद प्लस में कितना है दोस्तों उनचास भी, अब बराबर में कितना लिखा हुआ है 105। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो ये माइनस माइनस और माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि ये माइनस और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपके पास हो जाएगा 65, ठीक है ना, 65 यू, यानी कि 65 भी हो जाएगा, और निशान किसका रहेगा, माइनस का। अगर मैं 105 में से 40 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 65 बचेगा, और निशान किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। फिर आपको क्या करना है, भी इधर ही रखना है और माइनस का 65 ये रहा, क्योंकि ये भी गुना में दोस्तों तो नीचे आ जाएगा भाग में। तो मैं इसको एक काम करूंगा, माइनस से माइनस कटेगा और 65 एकम 65 हो जाएगा। तो भी का मान कितना हो गया, भी का मान कितना है दोस्तों, भी का मान हमारा आंसर आ गया एक, ठीक है ना। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया, अगर भी का मान एक आ गया है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस भी के मान को आप समीकरण एक में या दो में रख दीजिए, ठीक है ना, या फिर समीकरण इसमें रख दीजिए, या फिर समीकरण इसमें रख दीजिए, क्योंकि ये समीकरण एक है और ये समीकरण क्या दोस्तों दो है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, भी का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, एक में रखने पर, नहीं तो समीकरण दो में रख दीजिए, जैसी आपकी इच्छा होगी आप वैसे कर सकते हैं। तो समीकरण दूसरा कौन सा दोस्तों, ये रहा एट, ठीक है ना, ये दोस्तों जिसको हमने इसको सरल में किया है, यानी कि छप्पन यू प्लस का 49 भी बराबर में 105, ठीक है, तो छप्पन यू हो जाएगा प्लस का 49, और भी का मान कितना है दोस्तों, एक आते यहाँ पे एक लिखेंगे और ये हो जाएगा 105। तो छप्पन यू और 49 एकम कितना हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 105। तो छप्पन यू, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर ये प्लस का तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा छप्पन यू, और ये कितना दोस्तों, अगर 105 में से 49 में घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, छप्पन हो जाएगा ये, और यू को इधर ही लिखूंगा, छप्पन ये रहा, क्योंकि ये भाग में दोस्तों तो नीचे आ जाएगा, ये गुना में दोस्तों छप्पन, तो मैं इसको क्या करूँ, भाग में लेके जाऊंगा और एक बार में ये कट जाएगा। तो यू का मान कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो यू का मान कितना आ रहा है, ठीक है, यू का मान यहाँ पे लिख सकता हूँ, यू का मान एक आ गया। तो आपने बहुत ही आसानी से देखा कि आपने भी का मान निकाला और आपने यू का मान निकाला, लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आंसर जो है उत्तर जो यहाँ पर नहीं है तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उत्तर जो इसके बाद आने वाला है तो उसके लिए आपको गौर से बोर्ड की तरफ देखना होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हमें क्या करना है, आपको याद होगा एक चीज़, ठीक है ना, ठीक है, आपको क्या करना है कि जो आपने जो यू माना है दोस्तों, क्योंकि आपने देखो इसको क्या माना है, एक बट्टे वाई को आपने क्या माना है, यू माना, और एक बट्टे वी को आपने एक बट्टे एक्स को क्या माना, आपने वी माना है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने एक बट्टे वाई को क्या माना था, एक बट्टे वाई को आपने यू माना था, ठीक है। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है कि एक बट्टे वाई है बराबर में u की जगह हम कितना लिखेंगे, u की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, एक लिखेंगे, क्योंकि u का मान एक आ गया, तो एक यही लिखेंगे और एक
अब ये भाग में तो उस तरफ आ जाएगा, ये गुना में, तो एक लिखेंगे और y को एक से गुना करेंगे तो y आ जाएगा। यानी कि अब जो हमारा दोस्तों वो असली जो आंसर है, रियल आंसर, वो ये आ गया, यानी कि y के मान हमारा आ गया एक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने एक बट एक्स को क्या माना था, याद है आपको, आपने एक बट एक्स को भी माना था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर भी लिखेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे और भी का मान कितना आ गया, एक आया, तो यहाँ पर लिखेंगे एक और एक यहाँ पर लिखेंगे और एक्स क्योंकि भाग में दोस्तों तो उस तरफ आ जाएगा ये गुना में। तो x को एक से गुना, x को अगर मैं एक से गुना करूँगा तो एक x ही आ जाएगा और इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया एक। तो आपने देखा यहाँ पे कि y का मान कितना है दोस्तों, y का मान यहाँ पे एक है और x का मान भी यहाँ पे एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया और आपको इसी तरीके से करना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते और बाय। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।